नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत के बारे में। जी हाँ भाई, सबसे ज्यादा या तो कनाडा या फिर कुवैत, सबसे ज्यादा ऑफर लेटर, सबसे ज्यादा वीजा मेरे पास इंक्वायरी के लिए आते हैं। वो एक अलग बात है कि लोग फीस नहीं दे पाते, इसलिए बात नहीं कर पाते। उनको लगता है कि ठीक है, इनको छोड़ दो, एजेंटों से सीधा संपर्क कर लेते हैं। जी हाँ, एक भाई के डॉक्यूमेंट आए हुए हैं बाइक राइडर से रिलेटेड, कुवैत के। हालांकि बाइक राइडर से रिलेटेड मुझे जहाँ तक लगता है कि पहली बार मैं ये डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ। खर्चे की बात करें तो भाई कोई पैसा ही नहीं है, बाइक राइडर का जॉब मिल जाएगा इंडियन लाइसेंस से। जी हाँ, सबसे बड़ी बात मुद्दे की ये है। पैसे की बात करें तो 20,000 आपको वीज़ा आ गया, अब देना है 20,000 आपको फ्लाइट करते समय देना है। 40,000 रुपये खर्चा है, 37,000 रुपये टिकट सैलरी बन जाती है अगर देखा जाए तो 150 KD का। जी हाँ, 245 के लगभग भाव चल रहा है, तो ऊपर नीचे हो सकता है 2-4 रुपये, कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रोसेस बंदे को बता दिया। अब बंदे को ऑफर लेटर दे दिया जाता है, वीज़ा दे दिया जाता है, अभी आप पैसा दीजिए, फिर आपको मेडिकल करवाना है गमका के लिए। जी ये बात तो हो गई एजेंट की तरफ से, अब हमारी तरफ से बात सुन लीजिए। बंदा एजुकेटेड बंदा, पढ़ा लिखा बंदा, अच्छी क्वालिटी वाला जिसको बोल सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स किया हुआ, जी हाँ, उसके बावजूद भी ये इस काम में जा रहा है। पहली बात तो ये गलती। दूसरी बात, ये बात बता दूं, इंडियन लाइसेंस से कुवैत में ड्राइवरी का जॉब, बाइक राइडर का मिलता है क्या? आप कुवैत में हैं या आप रिटर्न हैं तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करें। तीसरी बात, अगर बात करें तो बंदे ने वीज़ा चेक किया, वीज़ा चेक नहीं हो रहा है। चौथी बात, बात करें बंदे ने सीधा इंडियन एम्बेसी में कॉल कर लिया कुवैत में। पढ़ा लिखा बंदा इंग्लिश टू इंग्लिश बात करता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वहाँ पे एम्बेसी ने पता लगा के बताया कि ये कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, यानी हमारे जो लिस्ट में हमने चेक किया उसमें इसका कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। जी हाँ, बाद में बंदे ने मेरी जो बातें लगातार हो रही थी, मैं बोला भाई ठीक है इस तरह से। फिर बंदे ने पहले दिन कंपनी को चेक किया, ऑनलाइन चेक हो रही थी, दूसरे दिन कंपनी ऑनलाइन चेक नहीं हो रही थी, कंपनी का रिकॉर्ड ही नहीं आ रहा। समझ रहे हैं, तो कुछ बातें समझ में आई। अब आपको ऑफर लेटर दिखा देते हैं। ये ऑफर लेटर है जी, आप देख सकते हैं, कालमी फॉर डिलीवरी सर्विस, इसका कंपनी का ही नाम कालमी है। बंदे का नाम, सैलरी वगैरह, मोबाइल नंबर, ऐसा सब कुछ दिया गया है। एडमिट बाइक राइडर कुवैत में, देख लो जी, ये है बस इतना सा है, कोई जो है वैसे ज़्यादा 4 पन्नों का है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको दिखाने लायक हो, वही जो नॉर्मल अग्रीमेंट होता है। तनख्वाह देख लो जी, आगे वाला आ जाओ, इसमें तनख्वाह लिखी गई 150 ओनली ये मिलेगा, जिसमें से 130 आपको बेसिक मिलेगी, बाकी आपको 20 रुपये अलाउंस वो खाने के तौर पे मिलेंगे। जी हाँ, ऐसा कुछ लिखा गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लाइसेंस का पैसा आपका कटेगा, और वो भी इंसेंटिव से। अब इंसेंटिव की भाई कौन सी कंपनी गारंटी लेती है कि इंसेंटिव आएगा उससे हम पैसा काट लेंगे? तो ये सब बातें बकवास हैं, फेक हैं, इन चीज़ों से बचना ज़रूरी है। अगर आप नहीं बचोगे तो आपको वो चेप देंगे। चेपने का मतलब समझ रहे हैं ना। दूसरा अल्टरनेट ये भी है भाई, अगर आप गवर्नमेंट अथोराइज ऑफिस से जाते हैं उसमें भी आपके साथ प्रॉब्लम आ जाती है तो उनका समाधान हो सकता है। बाकी आप फर्जी एजेंटों से सोशल मीडिया के थ्रू जाते हैं तो उनका कोई जिम्मेदारी नहीं होता और उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये भी है बुक आपसे रिलेटेड। अगर आप इसी तरह की फ्रॉडबाजी से बचना चाहते हैं, मैन पावर ऑफिस, मेडिकल, सब कुछ है इसमें, 320 पन्नों की बुक है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। और इसको परचेज नहीं कर सकते हैं तो भाई अपने दिमाग को ओपन करके रखें ताकि आपको ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।